हेलो फ्रेंड्स, आस्था का किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गुजिया की रेसिपी, जो सबको बहुत पसंद आता है और इसके बिना तो होली का त्यौहार अधूरा रहता है। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप होली पे ही बनाकर खाएं, आपका जब मन हो तब बनाइए, स्वीट की जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो हम गुजिया की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो 2 चम्मच हम खसखस लेकर भून लेते हैं। इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे या फिर घी लेते हैं। उसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट भूनेंगे। सबसे पहले काजू को फ्राई करते हैं। हमको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमको हल्का सा रोस्ट करना है। इसके बाद हम बादाम भुनेंगे, इसको भी हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसमें का नमी निकल जाए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद किशमिश डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, हम सब मेवे को एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ मेवे को ज़्यादा भुनना पड़ता है, कुछ को हल्का भुनना पड़ता है। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे 30 सेकेंड के बराबर। इसके बाद नारियल डालकर गैस से हम उतार देते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं भुनना है। और नारियल कद्दूकस करके लिए हैं, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके हम साइड में रख लेते हैं। फिर से हम पैन में घी लेते हैं 2 चम्मच के बराबर। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का। अब इसमें हम 2 कप के बराबर सूजी डालेंगे, 300 ग्राम के बराबर। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमको भूनना है, तेज फ्लेम पे भूनने पे ये जल जाएगा। कम से कम 5 मिनट बाद हमारा कुछ इस तरह का होने लगेगा सूजी। आप सूजी की जगह सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सूजी लगभग भुना गया है, कलर चेंज हो गया इसका और अच्छा सा खुशबू आ रहा है। इसको हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब सूजी हमारा ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्स करेंगे बाकी मेवों के साथ। इनको हमको मिक्स करना है, तो इसमें हम खसखस डाल लेते हैं। इसके बाद हम पूरे गुजिए में हमारा 400 ग्राम खोआ जाएगा, 300 ग्राम सूजी जाएगा, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट रहेगा। तो इस हिसाब से हम 400 ग्राम शक्कर रखेंगे। हम पीसा शक्कर ले रहे हैं। इसके बाद इसमें हम खोआ ऐड करते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। चाहे आप हाथ की मदद से या फिर किसी भी चीज़ से इसको मिला लीजिए अच्छे से। इसको अच्छे से बराबर मिला लेना है ताकि शक्कर हमारा और खोआ एक सा हो जाए। इसके बाद हम ठंडा किया हुआ सूजी डालेंगे। हमको सूजी गर्म नहीं डालना है, क्योंकि डालने के बाद ये शक्कर मेल्ट होने लगेगा, इसलिए सूजी को अच्छी तरह से हमको ठंडा करके ऐड करना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से मसलते हुए मिला लीजिए, जिससे कि सब जगह सूजी, खोआ और चीनी पहुँच जाए। हमारा गुजिया का स्टफिंग तैयार है। अब इसे किसी छोटे बर्तन में हम रख लेते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। गुजिया के लिए हम मैदा गूंथेंगे। यहाँ पे 400 ग्राम मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टफिंग अधिक होने पे आप फिर से मैदा गूंथ लीजिए। मैदे के बीच में हम जगह बना लेते हैं और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालते हैं। रिफाइंड ऑयल मेरा गुनगुना है, गुनगुने रिफाइंड ऑयल से गूंथने से ये अच्छा और बनेगा क्रिस्पी। अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं हाथ की मदद से। हमको रिफाइंड ऑयल इतना डालना है जिससे कि हमारा मैदा बनने लगे, कुछ इस तरह से। अब इसमें हम गुनगुना पानी डालते हुए हम इसे गूंथ लेते हैं।
हमको पानी एक बार में नहीं ऐड करना है, पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक बार में ऐड करने से हमारा मैदा ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब पानी का इस्तेमाल गुनगुना लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आटा को गूंथ लेते हैं। एक हमको डो तैयार करना है जो ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। छोटे छोटे पेड़े काट लेते हैं आटे का, और एक पतला सा रोटी की तरह हम बना लेते हैं। ज़्यादा भी पतला मत करिए, नहीं तो गुजिया खाने के समय फूट जाएगा। इसमें हम स्टफिंग भरते हैं सांचे में लेकर। सांचे के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा का डस्ट करेंगे। इस बार स्टफिंग भर कर हम बीच में इसको करते हैं, इस किनारे से बीच में, और इसको इस तरह से दबा देते हैं। अगर आप एक एक बनाएंगे तो किनारे पे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चिपक जाएगा। अगर आप ज़्यादा बनाकर करते हैं तो हल्का सा किनारे पे पानी लगा लीजिए। इस तरह से हम एक बार में हम गुजिया बना लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। गुजिया को हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। एक बार में 5 से 6 हम गुजिया तलते हैं। एक साइड से हमारा सुनहरा हो जाएगा तो हम दूसरे साइड इसको पलट लेते हैं। और आज हमको मीडियम ही रखना है। भाई गुजिया के बिना तो कोई फेस्टिवल अधूरा है, ख़ास तौर पे होली। और खाने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हमारा गुजिया सीख गया है एक साइड से। अब इसी तरह हम दूसरे साइड का भी सेक लेते हैं। गुजिया हमारा तैयार है, अब इसे निकाल लेते हैं। ठंडा होने पर सर्व करिए, आपका मन हो तो गर्म ही सर्व करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।